हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास टेंथ की चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होते क्या हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, एपी क्या है? एपी मतलब एक ऐसा टर्म, कंटीन्यूअस टर्म जिसको बोल सकते हैं, जो लगातार एक ही क्रम में हो, जो लगातार एक ही क्रम में हो उसे क्या बोलते हैं? एपी। अब जानेंगे कैसे कि ये लगातार एक ही क्रम में है और ये एपी है क्या चीज़। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है 2, 4, 6, 8, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। अब कैसे पता चलेगा कि ये नंबर एपी है या नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले ये जो नंबर लिखा गया है, इस नंबर का एक टर्म होता है। जैसे ये पहला टर्म है इसको A1, ये दूसरा टर्म है इसको A2, इस तीसरा टर्म है इसको A3 और ये चौथा टर्म है इसको A4 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही आपका सोआन अगर टर्म चलता रहता है तो उसको AN यानी nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म से इसको डिनोट करते हैं। अब ये एपी किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8। अब इस एग्जांपल में जो ये A1 टर्म था, ये A2 टर्म था, ये A3 टर्म था, ये A4 टर्म था। अब इसमें क्या करना होता है, जब भी हमको एपी पता करना होता है तो दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म हटाते हैं। जैसे A2 में से हम A1 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4-2 बचेगा, क्या 2 बचेगा। और A3 में से जब हम A2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 6-4 में से क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि क्या सभी का जो टर्म कंडीशन है वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सब सेम होता है, यानी सभी का डिफरेंस अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते क्या है हम लोग बेटा, कॉमन डिफरेंस, डी से डिनोट करते हैं। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये किस फॉर्म में होते हैं, एपी के फॉर्म में होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जो पहला टर्म है उसको A1, जो दूसरा टर्म है A2, जो तीसरा टर्म है A3, जो चौथा टर्म है उसको A4, ऐसे सो ऑन टर्म चलता रहेगा तो उसको AN टर्म तक बोलते हैं। और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है उसको D से डिनोट करते हैं, और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर इनका सेम होता है तो ये एपी के टर्म में है। आइए अब हम लोग एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या यह एक एपी के टर्म में है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एग्जांपल में दिया गया है कि फॉर एपी 3/2, 1/2, 3/2, 1/2, -1/2, क्या ये एक एपी है या नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। और इसका फर्स्ट टर्म और इसका डी कॉमन डिफरेंस निकालना है। सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो गई है। इसमें लिखा गया है कि क्या जो है तो हमसे पूछ रहा है क्या ये एपी के फॉर्म में दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये एक एपी के फॉर्म में दिया हुआ है और हमको बताना है कि क्या ये इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था जो ये पहला टर्म है वो A1 यानी वो फर्स्ट टर्म हो गया, इसका A1 क्या हो गया 3/2, और इसका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि A2 वाले टर्म में से A1 वाले टर्म को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो A2 वाला टर्म क्या है 1/2 और A1 वाला टर्म क्या है 3/2। अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो आंसर क्या आता है, -2/2 को जब हम लोग काटते हैं तो क्या आंसर आता है, -1। ऐसे ही जब दूसरा हम लोग चेक करते हैं, दूसरा अगर हम चेक करेंगे कि A3 में से A2 हटाएंगे तो A3 कितना दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है -1/2 और A2 दिया हुआ है 1/2। चलिए चेक करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। A3 दिया हुआ है -1/2 और A2 दिया हुआ है 1/2। जब मैं इसका सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे एलसीएम लूँगा 2,
कॉमन डिफरेंस, अगर इसका डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन टू, और इसका भी डिफरेंस काटने पर क्या आ रहा है, माइनस वन, यानी सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस वन। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।